मच गाइस, आज हम लोगों ने एक साल कंप्लीट कर लिए, एक साल टेलीकास्ट के हो चुके हैं हमारे ससुराल सिमर का सीजन 2 को। ये हैप्पी बर्थडे ससुराल का 2, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच। अच्छा, टीवी पर देखना 6:30 बजे हमारा गिफ्ट दो प्लीज, हमारा बर्थडे गिफ्ट। लॉट्स ऑफ लव गाइस। गाइस, हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया। ये हमारी न्यू मेंबर, हेलो, हाय, डरा रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं थी आपको तो 11वां साल होगा ना, मतलब ससुराल। आपको कैसा लग रहा है, वहाँ बोलो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, एक साल कंप्लीट हो गए हैं, सब इतने जोश में है और ये एक साल ऐसा लगता है कि 3 महीने में हो गया ना, एक साल इतना फास्ट गया, एवरीथिंग वाज लाइक अ फ्रेंजी, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। मैं बाबू एंड माय बेबी। तो ये एक्सक्यूज मी, मैं गॉट मामा एंड शी इज द एंटरटेनमेंट। जय माता दी। दोस्तों, आज ससुराल सिमर का सीजन 1 को 11 साल हो गए। ऐसा लग रहा था अभी कल ही की बात है, और मुझे तो दिमाग में कभी कभी ये लगता है कि अभी भी SSK 1 चल रहा है और मैं वो भी जिंदगी जी रही हूँ SSK 2 के साथ साथ। निर्मला देवी भारद्वाज और गीतांजलि देवी ओसवाल की दोनों की जिंदगियां साथ साथ चलती रहती है मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, और आपसे मुझे डबल डबल प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ससुराल सिमर का सीजन 1 को इतना प्यार दिया, थोड़ा बहुत प्यार, ज्यादा ज्यादा प्यार थोड़ा ये ससुराल सिमर का सीजन 2 को भी दीजिए ना। उसे भी कल 1 साल पूरे हो जाएंगे, मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए मैसेज के साथ। ये